आज हम दो कलर की पट्टी से एक डोरमेट बनाएंगे। रेड कलर की पट्टी की चौड़ाई 18 इंच ली गई है और येलो कलर की पट्टी की चौड़ाई 5 इंच ली गई है। दोनों पट्टियों के इसे सुई धागे की सहायता से अटैच कर देते हैं। रेड कलर की पट्टी को सपोर्ट में रखेंगे और येलो कलर की पट्टी से डोरमेट की गुथाई करेंगे। रेड कलर वाली पट्टी पर येलो कलर के 5 नोट लगाएंगे। पट्टी पर 5 नोट लगा रहे हैं। एक दो तीन चार 5 नोट लगा चुके हैं। अब इसको रस्सी को गोलाई देते हैं। एक फंदे में 2 फंदे निकाल रहे हैं फर्स्ट राउंड में। एक फंदे में 2 फंदे काट रहे हैं फर्स्ट राउंड में। ये फर्स्ट फंदा निकाला है, उसी में से दूसरा फंदा निकाल रहे हैं। ये फर्स्ट फंदा है, उसी में से दूसरा फंदा निकाल रहे हैं। इस प्रकार एक फंदे में 2 फंदे निकालते हुए एक राउंड को पूरा कर रहे हैं। सभी पट्टियां साड़ी की ली गई है। सपोर्ट वाली पट्टी की चौड़ाई 18 इंच ली गई है और डोरमेट की गुथाई करने वाली पट्टी की येलो वाले कलर की चौड़ाई 5 इंच ली गई है। इस प्रकार से ये हमारा एक राउंड पूरा हो जाता है। ये दूसरा राउंड शुरू हो रहा है। दूसरे राउंड में एक फंदे में एक ही फंदा निकाल रहे हैं। पीछे की ओर सेफ्टी पिन लगा देते हैं, जिससे यह पता चल जाता है कि यहाँ से हमारा नया राउंड शुरू हुआ है। एक फंदे में एक ही फंदा निकाल रहे हैं। दूसरे राउंड में इस प्रकार से हमारा दूसरा राउंड पूरा हो जाता है। पीछे की ओर एक राउंड पूरा होने के बाद में पीछे की ओर सपोर्ट लगा देते हैं सेफ्टी पिन की, जिससे यह पता चल जाता है कि यहां से हमारा नया राउंड शुरू हो रहा है। ये तीसरा राउंड शुरू हो रहा है और तीसरे राउंड में एक फंदे में 2 फंदे निकाल रहे हैं। तीसरे राउंड में एक फंदे में 2 फंदे निकाल रहे हैं। इस प्रकार से हमारा ये तीसरा राउंड पूरा हो जाता है। तीसरा राउंड पूरा होने के बाद में पीछे की ओर सेफ्टी पेन लगा देते हैं, जिससे यह पता चल जाता है कि यहाँ से नया राउंड शुरू हो रहा है। चौथा राउंड शुरू हो रहा है। चौथा राउंड में एक फंदे में एक ही फंदा निकाल रहे हैं। चौथे राउंड में एक फंदे में एक ही फंदा निकाल रहे हैं। इस प्रकार से हमारा चौथा राउंड पूरा हो जाता है। पीछे एक और सेफ्टी पिन लगा देते हैं, जिससे यह पता चल जाता है कि यहाँ से हमारा नया राउंड शुरू हो रहा है। पांचवा राउंड शुरू हो रहा है। पांचवें राउंड में एक फंदे में एक ही फंदा निकाल रहे हैं। पांचवें राउंड में एक फंदे में एक ही फंदा निकाल रहे हैं।
इस प्रकार से हमारा पांचवा राउंड पूरा हो जाता है। पीछे की ओर सेफ्टी पिन अटैच कर देते हैं, जिससे यह पता चल जाता है कि यहाँ से हमारा नया राउंड शुरू हो रहा है। ये छठा राउंड शुरू हो रहा है। छठे राउंड में एक फंदे में दो फंदे निकाल रहे हैं। कहने का मतलब कह रहे हैं कि एक फंदे में दो फंदे क्यों निकालते हैं, कि हमें ये पता चल जाता है कि अब डोरमेट में झोल पड़ने वाला है, तो उससे पहले ही हम फंदों की संख्या एक फंदे की संख्या दो फंदे निकाल देते हैं, तो डोरमेट में झोल नहीं पड़ेगा और डोरमेट का आकार भी बढ़ जाएगा और झोल भी नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से हमारा डोरमेट बनकर तैयार हो जाता है। जितना बड़ा डोरमेट बनाना चाहते हैं इसी प्रकार डोरमेट बनाते रहते हैं। ये हमारा सातवां राउंड शुरू हो रहा है। सातवें राउंड में एक फंदे में एक ही फंदा निकाल रहे हैं। सातवें राउंड में एक फंदे में एक ही फंदा निकाल रहे हैं। इस प्रकार से ये हमारा सातवां राउंड पूरा हो जाता है और हमारा डोरमेट बनकर तैयार हो जाता है और भी बड़ा डोरमेट बना सकते हैं इसी प्रकार से।